सबसे पहले हाईकमान को धन्यवाद देना चाहता हूँ, और जिस प्रकार से हमेशा विश्वास जताती है हाईकमान, और उनको आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा वही विश्वास कायम रहेगा मेरे गंदवानी विधानसभा की जनता की ओर। और लगातार जो है कांग्रेस उन पर भरोसा जता रही है, इस बार भी गनवानी से जो है कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी उमंग सिंगार को भी बनाया, कितने आश्वस्त है अपनी जीत के प्रति? सबसे पहले हाईकमान को धन्यवाद देना चाहता हूँ, और जिस प्रकार से हमेशा विश्वास जताती है हाईकमान, और उनको आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा वही विश्वास कायम रहेगा मेरे गनवानी विधानसभा की जनता की ओर से। भारतीय जनता पार्टी पूरी लगी हुई है गंधवानी में, और आप कहते हैं कि आप विधानसभा में जाते ही नहीं हैं। देखिए, अगर ये जो आरोप लगाते हैं, अगर कोई गांव का बच्चा अगर उमंग सिंगार को जानता है तो वो भोपाल दिल्ली तो आया नहीं। अगर वो जानता है कि जो वोट नहीं देता 8वीं 10वीं का या छोटे 10 साल का बच्चा, तो उनसे पहले सर्वे करवाया भारतीय जनता पार्टी है। अगर वो उमंग सिंगार को जानते हैं तो उमंग सिंगार जाता है। क्या लगता है मुकाबला कितना टफ होगा कि इजी है उमंग सिंगार के लिए जैसे पहले? देखिए, चुनाव कोई सा भी हो, मैं हमेशा उसको गंभीरता से लेता हूँ। चुनाव चुनाव है, चुनाव के परिणाम गंदवानी विधानसभा की जनता तय करेगी। लगातार आप पे कई आरोप लगते रहे, लेकिन आप उन आरोपों से बरी हुए हैं, इस पर भी आपका क्या कहना है? देखिए, बरी नहीं हुए, निर्दोष भी दूर की बात है, खारिज हुए। झूठे आरोप भारतीय जनता पार्टी हमेशा लगवाती रहती है, और कहीं ना कहीं एक नेतृत्व उनको एक पसंद नहीं आता, और जिसमें मैं जिस वर्ग से आता हूँ, एक आदिवासी नेतृत्व, शायद हो सकता है भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों को विशेष रूप से जेल में डालना चाहती है। आप किन मुद्दों को लेके जो है जनता के बीच हैं अभी, और क्या मुद्दे लेके जाएंगे? निश्चित तौर से विधानसभा जब बनी है, पहली विधानसभा थी, पहला विधायक था आफ्टर डिलिमिटेशन के बाद, तो वहाँ पर काफ़ी अति पिछड़ा था वो। सड़क की आवश्यकता है, सड़कें करवाई, बिजली पहुँचाई, तो ये जो काम है जो एक आम व्यक्ति से जुड़े हैं, जिसके लिए संघर्ष करना पड़ता, मजदूरी के लिए बाहर जाना पड़ता है, चाहे तालाब हो, पानी हो, तो ये आधारभूत सुविधाओं को और अच्छी तरह से करा सकूँ, ये मेरा लक्ष्य रहेगा। इस बार देखा गया प्रियंका गांधी की सभा में एक राष्ट्रीय स्तर के नेता के रूप में मंच पर देखे गए, क्या कहें? अब ये तो हाईकमान और जनता का प्रेम है, आशीर्वाद है, तो पार्टी हमेशा मौका देती है। कांग्रेस क्या इस बार कुछ नए चुनावी मुद्दे लेके जनता के बीच जाएगी? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की लाडली बहना योजना, गैस की टंकी की जो प्राइस है वो कम पे महिलाओं को मिल रही, लाडली बहनाओं को, उसके मुकाबले कांग्रेस क्या करने वाली? 18 साल में पहली बात तो ये कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने क्यों नहीं किया, आज क्या हो गया 6 महीने के अंदर उनको करना पड़ा? पहले तो भारतीय जनता पार्टी बताए, हम तो सरकार में थे, सरकार इन्होंने गिराई प्रलोभन दे के विधायकों को। 5 साल कांग्रेस को मौका मिलेगा, निश्चित तौर से जो योजनाएं हमने वचन दिए वो पूरे वचन होंगे, चाहे युवाओं को हो, चाहे किसान को हो, चाहे तेंदुपत्ता के गरीब वर्ग जो मजदूरी करता है उसको 3000 या 4000 मिलेगा मानक बोरा, तो ऐसी कई योजनाएं हैं, नारी सम्मान योजना है, तो फ़ायदा मिलेगा। और अब तो भाजपा का समय गया, कांग्रेस आ रही है। क्या लगता है कितने वोट से जीत दर्ज करवाने वाले हैं जनता के? मैंने आपसे कहा ना, ये तो परिणाम और गंदवानी विधानसभा की जनता तय करेगी, लेकिन आश्वस्त हूँ कि उनका हमेशा प्यार गंदवानी विधानसभा की जनता का मेरे साथ रहता है, इसलिए मैं पूरी तरह आश्वस्त होता हूँ।